काट्या भील मंदिर टेंपल जो है वो स्वाधीनता के स्वर्णिम मंदिर में जाबाजी का अमिट अध्याय बन चुके। टंटिया भील ब्रिटिश हुकूमत समय के क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1840 में हुआ था। टंटिया भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टंटिया भील के ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण जनता के शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचारों के पुरजोर खिलाफत की। ब्रिटिश हुकूमतों में भले ही उनकी छवि एक डकैत के रूप में थी परंतु हिंदुस्तानियों के लिए वे नायक से कम नहीं थे। उन्हें हिंदुस्तानियों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा सन 1890 में इस वीर सेनानी को फांसी दी गई। यहाँ के आदिवासियों द्वारा टंटिया भील का मंदिर बनाकर पूजा की जाती है। पर्यटकों से निवेदन है कि रेलवे ट्रैक से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी हो चुकी है अब इसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है। मैं पहले हिंदी पढ़ता था लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है और वैसी ऐसी जगह पर जब हम आएंगे तो अभी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो वहाँ पर हम पढ़ते तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए और ये इनके कुछ रेप्लिकास बनाई गई हैं। रेप्लिकास क्या कह सकते हैं, ये लोगों से बनी हुई स्ट्रक्चर है और दो उधर छोटी सी जगह तो बहुत ही छोटी है। देखिए मतलब नज़ारा बड़ा सुंदर है क्योंकि कई बार पकड़ा गया भागा हटिया या मर्दाना कौन करेगा वो स्लोगन टाइप का बना है। टॉयलेट से यहाँ पे और ये इसका पूरा इस साइड में टूरिस्ट स्पॉट तो अभी हम लोग उस साइड चलेंगे और उधर का पूरा नज़ारा देखेंगे कैसा उधर का बना हुआ है। चलते हैं। ये हमारी ट्रेन है इसमें बेस्ट पार्ट ये है ट्रेन की इसमें पीछे जो है कांच लगा हुआ है। कांच ये दिखाइए कांच जो है ना ये इसकी यूएसपी है मतलब अल्टीमेट चीज़ इसकी यही है क्योंकि इससे आप पीछे का पूरा व्यू ले सकते हैं। चार डब्बों की ट्रेन यहाँ रुकी हुई है और यहाँ पर कुछ छोटी मोटी दुकानें भी हैं। हम लोग वहाँ तक चलने की कोशिश नहीं करेंगे हम जाएंगे भी वहाँ। छोड़ के खाने का मजा अलग ही आएगा और मैं खाऊंगा ये नहीं खाएगा कल मैं दूंगा इसको भी। और अभी हम चलेंगे इसका जो मेन अट्रैक्शन है जो मेन इसका टूरिस्ट पॉइंट जो है वो इधर की तरफ है यहाँ पे आप आइए। और अभी जो हम लोग फीलिंग दे रहे हैं वो गर्मी के मौसम का फीलिंग है प्योर गर्मी के मौसम का लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए वो ये पन्नी उठते हुए दिखा उसको ये गन्ने की चरखी कहते हैं कि पाताल तक जाता है। और यहीं पे कुछ साल पहले चार लोग आई थिंक चार या पांच लोग ठीक मेन पॉइंट पे बैठे हुए थे और अचानक पानी
पहाड़ी एरिया है, इसलिए जब पानी आता है तो वो अचानक ही आता है और एक साथ ही बढ़ता है। तो वो अचानक से पानी आया और वो 3-4 लोग इसमें बह गए और वो शायद इधर तिनछा फॉल की तरफ उधर जाके आगे की गांव में, देखिए नीचे की तरफ से ये आगे जाती है मैं नदी नदी तरह की सही है। कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए इसको हम पॉकेट में रखेंगे और जहाँ पे डस्टबिन होगा वहाँ डालेंगे। अब ये देखिए, ये जो नीचे देख रहे हैं बूंदी जो फैलाई गई है, कल हनुमान जयंती थी उस उपलक्ष्य में ये सभी जगह हनुमान, यहाँ के बंदर बहुत रहते हैं। अभी अगर बहुत हम रोज में थोड़ा सा अगर हम जूम कर सकते हैं बताते हैं, वहाँ से नेक्स्ट डाइट से हमको बंदर दिख रहे हैं। और चूँकि कल हनुमान जयंती थी कोई नहीं के लिए प्रसाद था, पहले ये बैरिकेडिंग्स नहीं हुआ करती थी तो लोग नीचे उतर जाते थे। ये वाला रास्ता है थोड़ा सा और ये वाला, यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से सीधे नीचे की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ से एकदम मतलब थोड़ा मुड़ते मुड़ते और नीचे उतर के वहाँ पे बैठ के लोग नहाया करते हैं। अभी भी उतरते हैं लोग, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं। प्रशासन जो है इन चीज़ों के लेके काफ़ी सख्त है, नीचे उतरने के लिए मना ही है ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी जो बाहरी तत्व होते हैं वो पहाड़ की तरफ से, आप मान लीजिए उस पहाड़ियों की तरफ से जाएंगे तो उतरने के कई रास्ते अभी भी बने हुए हैं। तो लोग जाते हैं, उतरते हैं, नीचे की तरफ बैठते हैं। और ये जो एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं कीड़ा, विशेष प्रकार का कीड़ा है, ये सभी प्रजातियों में नहीं पाया जाता है, ये कुछ खास लोगों में ही होता है। ये जो कुछ खास लोग होते हैं वो अपनी जान को रिस्क पे डाल के और जाते हैं नीचे। लेकिन अगर आपको आना है आइए घूमिए देखिए। आप अहिंसा पर्वत भी एक बना हुआ है, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, यह अहिंसा पर्वत, यहाँ पे जाइए पर टॉप पे। और आप अगर आप चाहें तो उससे थोड़ा सा आगे चलते हो वो वाले पहाड़ी पे भी जा सकते हैं। मतलब घूमने के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह है, वाटरफॉल होगा तो भी बढ़िया रहेगा, अदरवाइज आप गर्मियों में आते थोड़ा सा आपको क्राउड कम मिलेगा, लेकिन आप आ सकते हैं सॉरी। और यहाँ पर प्रशासन 6 बजे तक की ही अनुमति देता है, उसके बाद ये लोग रैप अप करना चालू कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से लोगों को धीरे धीरे इवैक्यूएट किया जाना चालू करते हैं कि ताकि लोग रुके ना और टाइम टू टाइमली अपने घर पहुँच जाएँ। सम्मान रखते हैं।